हाँ जी, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अब एक बार चेक करते हैं कि आपने जो किया और जो मैं कर रहा हूं वो क्या है। कॉन्सेप्चुअली बातों को समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो मेन जहां पे कुछ ट्रिक्स हैं वो भी आपके दिमाग में बैठे, फटाफट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। देखो, इन पांचों का एक छोटा सा लिंक है, पांचों में एक छोटा सा लिंक है, मैं आपको बता दूं क्या, उसके बाद ये क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। आप अभी यहां मत देखना, अभी यहां देखो लिंक क्या है। अगर मान लो कहता है प्रॉफिट, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये कहता है 1/5 ऑन कॉस्ट। अगर ये कहता है 1/5 ऑन कॉस्ट, तो मेरे बच्चे इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट आपका 1 रुपए है जब कॉस्ट आपका कितना है जी, 5 रुपीज। इसका मतलब होता है 1 रुपए का प्रॉफिट जब कॉस्ट 5 रुपए। तो सोचो जरा कि अगर कॉस्ट आपका 5 रुपीज है और फिर आप प्रॉफिट उसमें कितना ऐड कर रहे हो जी, 1 रुपी, तो आप उस गुड्स को कितने में सेल कर रहे होंगे, 6 रुपीज में। ऑब्वियस बात है, 5 रुपीज अगर इसको बनाने में लगता है और 1 रुपए का मेरा प्रॉफिट, तो आपका सेल कितना हो जाएगा, 6 रुपीज का हो जाएगा। मेरे बच्चे इस रेशियो को आप अगर कोई बोलता है कि भैया 1/5 ऑन कॉस्ट, तो बताओ प्रॉफिट 1 होगा जब सेल कितना होगा, जब सेल्स कितना होगा, तो आप यहीं से रेशियो निकाल सकते हो। बोलना भैया प्रॉफिट हमारा 1 रुपए जब सेल्स कितना दिख रहा है आपका, 6 रुपीज, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। दिस इज 1/6 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑन सेल। कोई डाउट इसके अंदर में, आप भी बना सकते हो। प्रॉफिट कहता कि भैया 1/7 ऑन कॉस्ट है, तो बताओ जरा सेल पे कितना होगा। हमने कहा कि देखो जी आपका कॉस्ट जब 7 रुपीज है और प्रॉफिट 1 है, तो सेल कितना हो जाएगा, 8 रुपीज हो जाएगा। तो कहना 1/7 ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट 1/8 ऑन सेल हो जाएगा, है ना। ये 8 कैसे आ रहा है, ये देखो आप इसके ऐड करके जो आपका फिगर आएगा वही तो निकल के आएगा। उसी तरीके से कहता है कोई कि मान लो आपका प्रॉफिट जो है वो 3/8 ऑन आपका कॉस्ट, तो बोलता बताओ सेल पे कितना होगा। इट्स वेरी सिंपल, यहां पे कहता है कि प्रॉफिट आपका 3 है जब कॉस्ट 8 है। तो जरा सोचो, कॉस्ट आपका 8 होगा एंड प्रॉफिट कहता है कि आपका यहां पे 3 होगा, तो बताओ सेल कितना होगा, 11 रुपीज, 8 रुपए की कॉस्ट। ये नहीं कि हमेशा 1 रुपए ही ऐड करना है, आपको चेक करना होगा इक्वेशन क्या है। तो 8 रुपीज कॉस्ट, 3 का प्रॉफिट, तो सेल 11 में करूंगा, यानी कि प्रॉफिट 3/8 ऑन कॉस्ट, तो कितना ऑन सेल होगा। आप कहना कि देखो जी प्रॉफिट 3 रुपीज जब सेल कितना, 11 आपका, तो 3/11 ऑन सेल हो जाएगा। समझो मेरी बात ना, इक्वेशन है। मैं इन सबके पहले आपको ट्रिक बता दूं यहां पे, तब उसके बाद आऊंगा। अगर कहता है कि प्रॉफिट आपका मान लो 1/5 ऑन मान लो सेल है, सेल, तो बोलता बताओ कि ये रेशियो आपका कॉस्ट पे कितना होगा। हमने कहा कि ठीक है प्रॉफिट 1 जब सेल कितना, 5, तो सोचो सेल आपका 5 है और इसमें प्रॉफिट का मार्जिन जो मिला हुआ है 1, तो कॉस्ट कितना रहा होगा जी, 4 रुपीज। कॉमन सेंस है यार, 5 रुपए में कोई चीज अगर मैं बेचता हूं और उसमें 1 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना, 4 रुपए रहा होगा। तो 5 1 यानी कि 4, तो प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल, तो प्रॉफिट कितना होगा ऑन कॉस्ट। हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट आपका 1 रुपया 1 जब कॉस्ट कितना, 4, 1/5 यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। मतलब हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, ये तो काम मेंटली भी हो सकता है। मेंटली कहता है कि प्रॉफिट आपका जो है वो कहता है 3/11 ऑन आपका कॉस्ट है, तो बताओ सेल पे कितना, ये रेशियो ऑन सेल कितना होगा। कहना कि प्रॉफिट 3 है जब सेल कितना, तो 11 रुपीज की कॉस्ट और 3 का प्रॉफिट, 11 रुपए कॉस्ट, 3 रुपए प्रॉफिट, तो सेल 14 में क्या होगा, वो 14 ऑन सेल हो जाएगा, है ना। कहता कि जरा बताओ प्रॉफिट आपका जो है, अगला मैं फटाफट बता दूं, 5/17 ऑन सेल है, तो बोलता बताओ कॉस्ट पे कितना होगा। कॉस्ट पे हमने कहा कि ठीक है प्रॉफिट आपका 5 होगा जब कॉस्ट कितना होगा, तो सोचो ना 17 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है, 17 में 5 रुपीज का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना, सेल में प्रॉफिट माइनस तभी तो कॉस्ट आता है, तो 17 - 5 कितना हो जाएगा जी, 12 आपका। मतलब आप किसी भी तरीके से, अगर आपको फटाफट नहीं आता तो आप रेशियो बना लो। कहना कि 5 का प्रॉफिट जब सेल 17 है, तो सेल अगर आपका 17 होता है एंड प्रॉफिट अगर आपका 5 है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12 आपका। अब उसके हिसाब से कुछ ही बना लो। इन्हीं सब बातों को तो यहां भी करना है,
इन्हीं सब बातों को मैं स्टार्ट करता हूं। पहले आपको एक एक समझाना, पहले मैं थर्ड को समझाता हूं, पहले फोर्थ को समझाऊंगा। फोर्थ को ये देखो आप, ये कहता है कि नेट प्रॉफिट आपका है बिफोर कमीशन 8 लाख, और कमीशन कहता है 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये देख रहे हो, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको पता है, और जो कमीशन का रेट है वो भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे, मतलब जो अमाउंट पता है उसी पर रेट बता रहा है। तो जो अमाउंट आपको पता है अगर उसी पर रेट बताएगा तो फिर रेशियो क्यों कन्वर्ट होगा। हमने कहा कि ठीक है जी, फिर आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 8 लाख और आपका 1/4 यानी कि 2 लाख का अमाउंट। चलो जरा बताओ आप में कितने कितने बच्चों का सही है, जरा हाथ रेज करना कि कितने कितने बच्चों का सही है। सर आप कैसे देखोगे, मैंने देख लिया, मुझे सब पता है कि क्या सही क्या गलत, मुद्दा यहां पे है बच्चे। कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,40,000 है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, लेकिन रेट जो आपका है ना वो कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे, यानी कि ये जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ये जो फिगर है वो बिफोर कमीशन है, लेकिन रेट आपको बता रहा है आफ्टर कमीशन पे। ये रेट आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, अब यहां पर रेट को कन्वर्ट करना होगा। और इट्स वेरी सिंपल, देखो ना, कमीशन आपका 1 रुपया, जब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना, 5 रुपए, सेम चीज वहां पे जो आपने लिखा था, सेम यहां पे कॉन्सेप्ट है। ये देखो आप जरा, कहते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो आपका नेट प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन ये कहता है आपका कितना जी, 5 है, देख रहे हो आप यहां पे 5, और उस केस में आपका कमीशन का अमाउंट कितना बता रहा है, कमीशन का अमाउंट ये कहता है 1 रुपीज, तो 1 यहां पे ले लिया। तो मुझे बताइए कि आपका जो नेट प्रॉफिट रहा होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब इस 1 रुपीज को माइनस करने के पहले, ये तो आफ्टर है ना बच्चे, 1 रुपी माइनस करने के बाद, तो बिना माइनस किए अमाउंट कितना आपका है, 6 रुपीज, 5 था आफ्टर, 1 रुपया कमीशन, तो बिफोर आपका ही, बस काम खत्म हो गया। देखो मैं कितने आसानी से यहां पे कमीशन निकाल लूंगा, हमारा कमीशन कितना होगा, हमारा कमीशन कितना होगा। तो आप कहना कि देखो जो पहले फिगर आपको पता है 240 वो ले लो, 2,40,000, और इसमें आपको जरा बताओ ये 240 जो है ये आपका कौन सा है, ये आपका 240 क्या है जी, बिफोर कमीशन। इसमें बिफोर कमीशन क्या दिख रहा है, 6, तो 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालना है कमीशन निकालना है ना, तो आप क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 1/6। सिंपली अगर ये 1/5 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है तो ये आपका हो जाएगा 1/6 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया 1/6 आपका, तो कितना आंसर हो गया, 40,000। इट्स वेरी सिंपल, बट ये फटाफट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, कोई कुछ इसमें है नहीं, तीसरी चौथी क्लास का मैथमेटिक्स है ये। तो आप ऐसे ही बता दोगे यार, प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट ऑफ सेल पे कितना, तो 5 का कॉस्ट, 1 का प्रॉफिट, तो सेल 6 रुपए में, यानी कि 1/6 ऑन सेल हो गया। देख लो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हम परेशान हो जाते हैं। कहता है जरा बताओ जी, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7 लाख है, कॉस्ट हमें पता है, लेकिन रेशियो आपको कहता है 1/8 ऑन सेल है, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना। ये रेशियो सेल्स पे है बट फिगर हमें कॉस्ट पता है, इस रेशियो को हमें कन्वर्ट करना होगा कॉस्ट में, तो 1/8 ऑन सेल, जरा बताओ 1/ कितना ऑन कॉस्ट होगा, ऑन कितना होगा, तो 8 रुपीज का सेल जिसमें कि 1 रुपए का प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना, 7, 1/7 ऑन कॉस्ट, फटाफट निकालेंगे 7 लाख का अमाउंट, और इस पे हमने कितना बोला, 1/7, 1 लाख रुपीज का अमाउंट। अक्सर देखा गया है, आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं, छोटा सा मैथमेटिक्स है, और हमने सब सीखा हुआ, अभी इतने बड़े हम हो चुके हैं। ये देख लो एक बार, सेल्स आपका 5 लाख है, हमें सेल्स पता है, रेशियो कहता है 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो रेशियो आपका कॉस्ट पे है, लेकिन यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे जी, ये रेट इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, 1/4 ऑन कॉस्ट यानी कि 1/5 ऑन सेल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता चुका हूं, तो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, कई तरीका है, मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ इसका आंसर। मेथड 1, आपको मुझे ट्रिक समझाना है इसलिए मैं कई तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड, आप क्या करना, सेल्स आपको पता है, सेल्स कितना है जी, 5 लाख, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट को हटा दो, कॉस्ट निकल के आ जाएगा, कितना प्रॉफिट है जी,
कहता है कि आपका 1/5 ऑन सेल, सेल पता है ना, यानी कि 5 लाख रुपीज का 1/5 कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। सेल्स माइनस जीपी यानी कि कॉस्ट, पढ़ा है तो है आपने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि कॉस्ट आपका कितना निकल गया, 4 लाख रुपीज। एक तरीका ये है। मेथड टू, मैंने कहा ना मेरे पास हजारों तरीके में इसको सॉल्व करने का, मैं मेथड टू देखो क्या करूंगा। मुझे यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको इंटरप्रेट कर लेना है। प्रॉफिट 1 जब कॉस्ट कितना 4, यानी कि कॉस्ट आपका 4 होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 1, तो सेल कितना हो जाएगा 5। अभी बताया था मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों, इस तीनों में से कोई भी एक चीज पता होगा, कोई भी एक चीज इस तीनों में से कोई भी एक पता होगा, मैं बाकी के दो चीज निकाल सकता हूं डायरेक्टली। बताओ इस तीनों में से आपको पता क्या है, सेल्स। तो अगर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो पता क्या करूंगा, जो फिगर पता है पहले आप उसको लिख दो, यानी कि 5 लाख। अब ये 5 लाख इस तीनों में से किसके बराबर है, सर ये बराबर है आपका ये सेल्स है यानी कि इसके बराबर, जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करते हैं, पूरा मैथमेटिक्स है सिंपल सा, जो फिगर पता होगा उसके रेशियो से डिवाइड, और आपको जो निकालना है कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस्ट का रेशियो कितना दिख रहा है 4, आप उसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4 लाख रुपीज हो गया, यहां भी 4 वहां भी 4, आपकी मर्जी है जैसे निकाल लो। देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही हैं, जो बच्चे सही हैं उनको अगले जो सीरीज होगा सीरीज 2 में बताऊंगा कि इस सीरीज के बदले में मैंने आपको क्या देना है और क्या आपका प्राइज है, ठीक है ना। चलो बाय बाय बच्चों, अगली बार मिलेंगे कुछ और टफ बातों के साथ और मस्ती के साथ। बाय बाय।